नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीजेपी नेता श्याम सुंदर उर्फ मुन्ना शर्मा की हत्या की गई है। चैन स्नैचिंग का विरोध करने पर आरोपियों ने गोली मारी। अज्ञात बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। रिश्तेदारों को छोड़कर वापस लौट रहे थे और उसी वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया। चैन स्नैचिंग करने की कोशिश इन बदमाशों ने की और जब चैन स्नैचिंग का विरोध किया तो उस वक्त मौत के घाट उतार दिया गया। पटना में बीजेपी नेता को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। बीजेपी नेता श्याम सुंदर उर्फ मुन्ना शर्मा की हत्या की गई है। देखिए बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं कि चैन स्नैचिंग की घटना को सरेआम जो है वो अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे और उसी बीच यहाँ पर बीजेपी नेता श्याम सुंदर के गिरबान पर उन्होंने घात लगाए हुए बैठे थे और हमला किया और चैन स्नैचिंग की इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश करी, जिसका विरोध जो है बीजेपी नेता ने किया। पटना में चैन स्नैचिंग का विरोध किया और उसके बाद अपराधियों ने बीजेपी नेता श्याम सुंदर उर्फ मुन्ना शर्मा की हत्या कर दी। बता दें कि घटना सुबह 4 बजे की बताई जा रही है, जब श्याम सुंदर के बेटे का ठेका था और वो अपने रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए गए हुए थे। उन्हें ऑटो में बैठकर वापस आ रहे थे तभी 3 बदमाशों ने घेर लिया। घटना पटना सिटी की है। बता दें कि अपने रिश्तेदारों को ऑटो में बिठाकर वो घर की तरफ वापसी कर रहे थे और उसी वक्त उनको 3 बदमाशों ने घेर लिया। घटना पटना सिटी की बताई जा रही है, जहां पर मंगल तालाब के पास श्याम सुंदर के घर आने के लिए वो वापसी जब कर रहे थे उसी वक्त उन्हें 3 बदमाशों ने घेर लिया और उसी वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया। 2 अपराधी चैन छीनने लग गए इसमें से, जिसमें से श्याम सुंदर ने इनका विरोध किया तो एक बदमाश ने उनके सिर पर गोली मार दी, दूसरे ने चाकू से वार किया। और वहीं सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों ने शव देखा तो पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि श्याम सुंदर पटना सिटी चौक के नगर मंडल अध्यक्ष थे। और उसके बाद मौके पर भारी भीड़ भी जुटी, पुलिस का अमला भी वहां पर पहुंचा। मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, आरोपियों को पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई है और सीसीटीवी फुटेज को भी अब खंगाला जा रहा है और इस फुटेज में काफ़ी महत्वपूर्ण सबूत जो हैं वो निकले हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं कि पुलिस का अमला वहाँ पर मौजूद है, लोगों की भारी भीड़ जुट चुकी है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज भी निकल कर सामने आया है किस कदर ये जो आरोपी हैं मोटरसाइकिल पर सवार थे और इस वारदात को अंजाम देकर यहाँ से फरार हुए हैं। सीसीटीवी में ये फुटेज आप साफ देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि श्याम सुंदर सड़क किनारे बैठे हुए हैं, थोड़ी देर में बाइक वहाँ पर आती है जिस पर 3 अपराधी होते हैं और चैन छीनने की वो कोशिश करने लगते हैं। श्याम सुंदर इसका विरोध करते हैं, एक अपराधी उन्हें सिर में गोली मारता है, दूसरा चाकू से हमला करने लगता है। तीनों चैन लूटने के बाद एक ही मोटरसाइकिल पर बैठकर, देखिए ये तीनों इस वारदात को अंजाम देने के बाद एक ही मोटरसाइकिल पर बैठकर यहां से फरार हो रहे हैं और ये वीडियो सामने आया है। अब इनकी पहचान की जानी बाकी है। तीनों चैन लूटने के बाद बाइक पर बैठकर वहां से भाग निकले। इस दौरान वहां खड़े लोग पहले तो चुपचाप सब देखते रहे, वहीं गोली मारते ही वहां से भागने लगे। बता दें कि कुछ लोगों ने इस घटना को घटित होते हुए भी अपनी आंखों से देखा है। अब पुलिस जो है इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आ चुका है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले में आगे जाँच की जा रही है और सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सड़क किनारे पर श्याम सुंदर बैठे हुए थे और उसी वक्त वहां पर मोटरसाइकिल पर सवार ये तीनों आरोपी आते हैं, जो कि उनके गले से चैन छीनने की कोशिश करते हैं। इसका विरोध श्याम सुंदर करने लगते हैं, जिसके बाद उन्हें गोली मार देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। और चलिए मामले पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी पटना से शक्ति हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, देखिए जिस तरीके की घटना हुई है, बीजेपी नेता पर हमला किया, उनको गोली मारी और चैन स्नैचिंग का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया। वाकई में काफी हैरान कर देने वाला ये मामला है। इलाके में दहशत का माहौल भी देखा जा रहा है। पुलिस फिलहाल क्या कुछ कर रही है इस पूरे मामले में?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से घटना घटी है, पटना पुलिस पर बड़े सवाल किए जा रहे हैं। देखिए पूरा मामला है कि श्याम सुंदर शरण की कल बेटे की उनका छेका था और आज जो है सुबह तकरीबन 4 बजे जो है वो अपने रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए गए थे, बाहर निकले थे और इस दौरान उन्हें अपने रिश्तेदारों को ऑटो पर बैठा के जब वापस लौट रहे थे तो उस दौरान अपराधियों ने, 3 की संख्या में अपराधियों ने जो है उन पहले उनसे चेन छीनने की कोशिश की, लेकिन इसका विरोध जो है श्याम सुंदर ने किया और उसके कहीं ना कहीं उसके बाद अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और एक अपराधी ने जो है उन पर चाकू से भी लगातार वार कर दिया, जिससे के बाद जो है वहाँ से फरार हो गया अपराधी। और लेकिन इस पूरे घटना की सूचना जो है लोगों को सुबह मिली जब लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले थे और उस दौरान लोगों ने श्याम सुंदर को लेकर तुरंत जो है NMCA जो मेडिकल अस्पताल है नालंदा मेडिकल अस्पताल पर वहाँ ले जाया गया, जहाँ पे उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। बड़ा सवाल यह है कि इस तरह की घटनाएं कई बार पटना में घट रही है और लगातार अब इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। RJD की तरफ से कहा जा रहा है कि जंगल राज की बात जो है हमारी सरकार को कहा जाता था, लेकिन पिछले कई महीनों से लगातार जो है बिहार में सुशासन की जो सरकार है वो फेल हो गई है। सुशासन के राज का जो दावा JDU और BJP के द्वारा किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं खोखला साबित हो गया है और लगातार हत्याएं जो है बिहार में हो रही है और अब ऐसे में बड़ा सवाल के BJP नेता की हत्या हो जाती है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जो है CCTV फुटेज को खंगाल रही है और तीनों जो अपराधी बाइक पर सवार आए थे उनके पहचान के लिए जो है पुलिस लगातार जो है छापेमारी भी कर रही है। उस गाड़ी का नंबर प्लेट भी पता किया जा रहा है कि जिन बाइक से तीनों अपराधी पहुंचे थे घटनास्थल पर, घटना को जिन्होंने अंजाम दिया उसमें किसकी गाड़ी की नंबर प्लेट है और तमाम चीज़ों को पुलिस जो है अभी छानबीन में जुटी हुई है। फिलहाल अभी तक जो है अपराधी जो है पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। जी शक्ति, देखिए CCTV फुटेज सामने आ चुके हैं, आसपास के लोग जिन्होंने पूरे इस दृश्य को देखा है वो भी पुलिस को जानकारी दे रहे हैं, पुलिस अभी तक छापेमारी कर रही है इलाके में। इस खबर के बाद जो है हड़कंप मचा हुआ है, आखिर कब तक ये आरोपी जो है पुलिस की पकड़ में आएंगे, क्योंकि बड़े सवाल पटना पुलिस पर तो खड़े हो रहे हैं। पटना में 6 महीने में 175 हत्या हुई है, लूट की 108 वारदात हुई है, डकैती की 23 वारदात हुई हैं और 175 हत्या हुई हैं। काफी गंभीर सवाल जो है उठाए जा रहे हैं इस वक्त पटना पुलिस को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए ये जो आंकड़े आपने बताया ये आंकड़े हमारे नहीं बल्कि ये पटना पुलिस ने ही जारी किए थे और कहीं ना कहीं देखिए जो ये आंकड़े हैं इससे कई ऐसी घटनाएं हैं जो इससे भी ज़्यादा आंकड़ों से आगे भी हो सकती है और लगातार पुलिस पर ये दबाव, हालांकि नए DGP भी जो है पिछले सप्ताह उन्होंने ज्वाइन कर लिया और इसको लेकर जो पुलिस महकमा से लेकर प्रशासनिक तमाम जो अधिकारियों के लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग भी हो रहे हैं बिहार में, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जा रही थी उसको लेकर जो अपराधी हैं, फिलहाल अपराधियों पर जो है इस ट्रांसफर पोस्टिंग का कोई असर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए सुबह की घटना 4 बजे सुबह कही जा रही है घटना और पटना से सटे हुए पटना सिटी का इलाका है और पटना सिटी जो है काफ़ी व्यस्तम इलाकों में से माना जाता है और ऐसे में सुबह अपराधियों के मनोबल को देखिए जो अपराधी जो है चैन छीनने की कोशिश करते हैं और जैसे ही श्याम सुंदर उनका विरोध करते हैं ताबड़तोड़ फायरिंग उनके ऊपर कर दी जाती है, चाकू से हमला किया जाता है और लगातार चाकुओं से उन पर हमला किया जा रहा है और ये बड़ा सवाल है कि पटना पुलिस जो कहती है कि गश्ती बढ़ा दी गई है, पुलिस की पेट्रोलिंग पूरी बढ़ा दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो घटना घटी है ये सवाल खड़े कर रहे हैं पटना पुलिस की जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और नए DGP के सामने भी ये बड़ी चुनौती होगी कि बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर भी जो है अब कई चुनौतियां पुलिस महकमे के ऊपर आ गई है। जी बिल्कुल शक्ति, अब एक पॉलिटिशियन के ऊपर हमला हुआ है और पॉलिटिशियन की मौत हुई है तो क्या लग रहा है कि क्या पुलिस कुछ सख्त होते हुए इन अपराधों पर लगाम लगा पाने में कामयाब होगी, क्या किस तरीके से मामले में कार्रवाई देखी जा रही है, क्या ये कार्रवाई पहले की तरह ही चल रही है या फिर कुछ तेजी इस कार्रवाई में देखी जा रही है। देखिए पुलिस के पास एक पहले से तयशुदा फार्मूला होता है, पुलिस तमाम मामलों को पहुंचती है और घटना स्थल पर जाकर चिनाक करती है और जहां CCTV फुटेज खंगाल रही है और छापेमारियां कर रही है। पुलिस महकमा को कहीं ना कहीं जो आधुनिक तरीके होते हैं उन तरीकों से अभी भी महरूम है, लेकिन पुलिस की टीम का कहना, जो बड़ी अधिकारी है उनका कहना है कि इसमें CCTV फुटेज के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुलाया जा रहा है और तमाम जानकारियाँ इकट्ठी की जा रही है और जो तीनों अपराधी थे उनके शिनाख्त
जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के सहारे जो है अब स्केच बना के उन अपराधियों को पुलिस जो है गिरफ्तार करने की कोशिश में लगातार छापेमारी भी करी है। पटना के विभिन्न इलाकों में जो है जो अपराधी वारदात में शामिल है तो उनसे भी अपराधियों से भी पूछताछ करी, तमाम जानकारियां पुलिस इकट्ठी करी है। लेकिन फिलहाल अभी भी पुलिस के हाथ जो है वो खाली है इस पूरे मामले को लेकर। जी ठीक है, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इन तमाम।